इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण करवा रही है। कोरोना महामारी के कारण विश्व के साथ साथ हमारे देश और प्रदेश को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों की जान की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया और बड़ी सावधानी से कोरोना वायरस महामारी का डटकर मुकाबला किया। कोरोना महामारी की वजह से देश और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की गति भी काफी प्रभावित हुई, लेकिन अब कोरोना वायरस महामारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अब सरकार का ध्यान विकास कार्यों की ओर अधिक है। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। देखिएगा, पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री बने, उसमें क्या हो, बनने के बाद जो है कोरोना महामारी आई, वो न केवल हरियाणा में बल्कि सारे भारतवर्ष में, सारे विश्व में आई, तो उसके वजह से क्या सरकार को थोड़ा जो स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना था, तो उससे जो है सारे विकास के काम जो हैं डिस्टर्ब हो गए। ऐसा था जो विकास का था तो वो दूसरे स्वास्थ्य के ऊपर लगाना पड़ा, हॉस्पिटल में लगाना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लगाना पड़ा, दवाइयों के लिए लगाना पड़ा, तो उसके लिए थोड़ा मेरे कहने का मतलब है उससे विकास जो है थोड़ा धीमा पड़ा, परंतु अब उसके बाद फिर दूसरी लहर आ गई, फिर तीसरी लहर की, तो अब क्या है, अब ये कोरोना की महामारी है बिल्कुल लगभग ये ख़त्म होने के कगार पर है। अब गवर्नमेंट का ध्यान जो है विशेष रूप से जो विकास के काम है, सड़कों का काम है, कोई बिल्डिंग बनानी है, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, कोई रास्ता है, तो उसकी तरफ सरकार का विशेष ध्यान है। वो कभी मैंने बजट में जो है चालीस के लगभग सड़कें जो कुछ रिपेयर मांग रही थी, कुछ चौड़ी होनी थी, उसकी मैंने लिख कर दिया है मांग पत्र में बजट सत्र में, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत जल्दी ही, क्योंकि बजट पास हो गया है, नए बजट में पैसा हमारे को मिल जाएगा, तो जैसे हमारे को मिल जाएगा बजट, कोई सड़कें जो हैं उनको दोबारा से रिपेयर और चोरी करने को कहा। ये देखिएगा, ये मैं कहूँ 1 करोड़ का 2 करोड़ है, ये तो कई करोड़ों का हो सकता है, ये मतलब 5-7 करोड़ तक तो सड़कों को ज़्यादा होगा, बल्कि 10 करोड़ तक सड़कों को हो सकता है। एक एक स्कीम गवर्नमेंट की और है, जो किसानों के रास्ते हैं, जैसे किसानों के रास्ते हैं वो खेतों में जाते हैं, टूर में जाते हैं, कहीं वो डेरे भी होते हैं, सरकार ने एक स्कीम और चलाई है खेत कल्याण सड़क योजना, खेत कल्याण सड़क योजना, उसके अंतर्गत भी मैंने काफ़ी रास्ते किसानों के जो इनकी स्थिति खराब थी ज़्यादा, उनको भी मैंने अपने मांग पत्र में उनको देने का काम किया है, तो वो भी काफ़ी करोड़ों के वो भी रास्ते हैं, तो वो तो लगभग पास होने के कंगार में, अभी जल्दी ही मतलब स्थिति में है, वो जल्दी पास हो जाएंगे, उनके काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। देखिएगा, आप बजट जैसे हमारा पास हो गया है, इस बजट से उस पर पैसा रिलीज किया जाएगा, तो उस पर अभी प्रोसेस में है। मैं पीछे मैंने मंत्री जी से मिल करके आया था, ACS के पास वो फाइल भेज दी थी, चीफ के पास मैंने फाइल को भिजवाने काम किया था, चीफ जो है उसको अगर तो एस्टिमेट ऑलरेडी गया होगा तो उसको जल्दी ही पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, अगर एस्टिमेट कई बार एस्टिमेट भी रिवाइज करना पड़ जाता है, तो वो जल्दी ऐसे काम जो इनका एस्टिमेट देना है तो जल्दी ही एस्टिमेट वो फील्ड से मंगा करके उसका पैसा जारी करने का काम करेंगे, जब पैसा जारी हो जाएगा तो बहुत जल्दी वो सारे वो रास्ते भी किसानों को जो जिनमें आने जाने में ट्राली में गन्ना आने जाने में प्रॉब्लम आती है तो रास्ते भी पक्के करने का। क्या मैं इससे पहले मैंने अभी 5-7 दिन पहले ही मैंने पिंपरा मंडी का मैंने दौरा किया था, मैंने दौरा था मैंने सड़कों से सबक लेकर था, जो सड़कें मंडी की बननी थी या उसकी ट्रेनिंग बननी थी, उसी दौरान में मैंने एक मार्केट कमेटी जो सेक्रेटरी है उसकी वहाँ पर दफ्तर में एक मैंने मीटिंग भी ली थी, मैंने उसमें हमारी जो आड़ती भाई हैं उनके एसोसिएशन के साथ थी, जो हमारा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का जिसकी जुम्मेवारी है सारा परचेज करने का, उनकी मीटिंग ली थी, तो मैंने इसलिए चिंता थी भी कहीं ऐसा ना हो एक तारीख से फसल आनी शुरू हो जाएगी, कहीं बारदाने में लोडिंग में अनलोडिंग प्रॉब्लम है, तो मैंने उसी दिन जो है जो संबंधित अधिकारी थे जैसे एपड़ के थे, फूड सप्लाई के थे, तो मैंने उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा था फूड सप्लाई वाला को तो ये कहना था कि हमारा 31 तारीख तक जो है बारदाना, क्योंकि बारदाना पश्चिम बंगाल से आता है तो 31 मार्च तक आ जाएगा, 31 करने होता है 1 तारीख को आ जाएगा, एक तो देखो उन्होंने मेरे को बिल्कुल आश्वस्त किया था। उसके बाद दूसरा जो एफर्ट का मामला है, एफर्ट भी जो परचेज एजेंसी है हमारी, तो उन्होंने तो कहा था कि हमारा जो है बारदाना मंडियों पहुँच चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अगर जैसे आपने कहा ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं इसको संज्ञान में ला करके इस पर जल्द ही कार्रवाई करने का काम करूँगा।